पैदा हुआ तो कहते व्युत्पत्ति लिखते हैं। पहली व्युत्पत्ति क्या लिखी, यज्ञ संयोग पत्निया वेदी पर प्रसन्नता और सबके साथ बैठती है। तवाइफ ठेका खोल लो चकले चलाओ, ये पवित्र शब्द नहीं है। सम्मानजनक शब्द अगर है तो पत्नी शब्द है। औरत जो दूसरों के साथ भी रद्द हो जाए, हाँ कभी कभी, ये ऐसी अनर्गल व्याख्याएं ऋषियों के काल में नहीं थी। ये अनर्गल से पति व्रत का एक पत्नी व्रत और एक पति पवित्र नहीं, पवित्रतम ऐसा शब्द है, सुपरलेटिव है, इससे ज्यादा सुपरलेटिव और कुछ हो ही नहीं सकता। यहां इस शब्द क्या माना गया, पवित्रतम माना गया। और दूसरी परिभाषा दूसरी नीति क्या दी है, पत्नार्थ यस्य सा, जो संकट स्थितियों में पति को बचाने की अद्भुत क्षमता जिसमें है, उस गुण कर्म स्वभाव वाली स्त्री का नाम ही पत्नी हो सकता है, सबका नाम नहीं हो सकता। समझ में आ गया पत्नी शब्द की गरिमा क्या है। इसलिए पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के शिष्ट कर्मों में जो गुण कर्म स्वभाव श्रद्धा और प्रसन्नता पूर्वक रखती है उसका नाम भी पत्नी है। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ ये प्रक्रियाएं करते हैं। और अब दोनों की सहभागिता इस श्रेष्ठ कर्म में है, क्योंकि यज्ञ कैसा कर्म है, वही श्रेष्ठतम कर्म। ग्रह सूत्रों में सत्पथ ब्राह्मण में ये वचन आया है, वो वचन कहता है वही श्रेष्ठतम कर्म, जितने श्रेष्ठतम प्रकार के कर्म हैं वह सब क्या है, यज्ञ है। और गृहस्थ में पति के साथ मिलकर के अनिवार्य रूप से श्रेष्ठतम कर्मों में रहना चाहिए और पीछे रहना चाहिए। चलती है दाहिने, चलती है आगे, चलती है और पति को रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन करती है। कमल जी समझ में आ रहा है, यह इस शब्द की गरिमा है, पवित्रता है। अब यह उद्बोधन आपको मिलता है यज्ञ की पवित्रतम वेदी से और व्याकरण आर्ष व्याकरण के माध्यम से मिलता है। विश्व के किसी और साहित्य में यह शब्द इस ये श्रेष्ठतम कर्मों को मिलकर के करते हैं। माचिस आपका नाम क्या है, नीलम मणि है ना, मणि है हाथ में हुआ है, स्व नीलम जलाओ, भूमना पृथ्वी वरुणा तस्यास्ते पृथ्वी देव जनी पृथे स्थापूर्ते संसदे स्थापिन सदते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदत। और तीन संधाएं भी हैं, और तीन क्या प्रयोजन इनका है, तीन मेघलाएं क्यों, तीन संधाएं क्यों। एक सुप्रीम पावर जो सुपरलेटिव है वो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप। दूसरे नियम में व्याख्या की है, विशेषण दिए महर्षि ने, चेतन है लेकिन आनंद आपके पास नहीं है। दूसरी सत्ता जीव की है, जो सत है और चेतन है। तीसरी सत्ता किसकी है, इस जड़ प्रकृति की है, जो चेतन नहीं है लेकिन सत है, लेकिन प्रकृति में आनंद नहीं है। प्रकृति का गुण क्या है, परिवर्तनशीलता। क्या है, परिवर्तनशीलता। अच्छा कल बताओ नीलम जी, साहू जी, कल एक छोटे से इंब्रायर के रूप में, और आज बाल्यावस्था और आगे आज युवावस्था, हमारे आपके भी बच्चे हैं, झुक जाएगी, हाथ में डंडी का सहारा आ जाएगा, यह भी क्रम आएगा ना। यह प्रकृति की परिवर्तनशीलता का गुण है, लेकिन जीवात्मा न कभी पैदा होता न कभी मरता है, न कभी जन्म लेता है, न कभी जवानी आती है, न कभी बुढ़ापा आता है, वो तो एक रस रहता है। कभी बुजुर्ग को देखा है, अभी तो मैं जवान हूं,
जो विचारों से जवान होता है वो कभी सब शरीर से बुढ़ा बड़े हो जाए, लेकिन आत्मा उसकी कैसी होती है? उसकी वाणी में कड़क होती है। शब्दों की साधना भी इसके अंदर होती है, इसलिए तो शब्द की साधना भी व्याकरण का पहला सूत्र दिया, अर्थ शब्दानुशासनम। शब्दों की शासना में, साधना में जो अनुशासन प्राप्त करना है, तो व्याकरण का पहला ही सूत्र है शब्दानुशासनम। ये भी अनुशासन साधना है शब्दों के ऊपर। व्याकरण का पहला सूत्र यहीं से व्याकरण प्रारंभ करते हैं ऋषिगण, पढ़ना अष्टाध्यायी को। और जब उपासना के क्षेत्र में जाते हैं तो पहला प्रश्न क्या आया, पहला सूत्र क्या आया है, अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, इस अनुशासन का नाम ही योग है। कि क्या? इंद्रियों को अनुशासन कहा है। कर्म सुकौशलम, कर्मों की कुशलता है। कर्मों की कुशलता से पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और ग्यारहवें मन पर हम क्या लगते हैं, अंकुश लगाते हैं। इसी का नाम क्या है, योग है। क्या नाम है? अध्यात्म मार्ग पर इसी सूत्र के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो मैं कहा करता हूं, बड़े चुनौती के साथ कहा करता हूं, जैसे अखिल सृष्टि में परमात्मा का पैदा करने का नियम एक है। अच्छा, हिंदुओं के अलावा मुसलमान, ईसाई, सिख, दूसरे देशों में रहने वाले लोग कोई आसमान से भी पैदा होते हैं? सबका पैदा होने का तरीका एक है कि अनेक? एक है। तो ईश्वर के पाने के भी अनेक रास्ते नहीं है। मतांतर के बहकावे में बहुमत, तर्क की पतवार लेकर के इस पर तैरना सीखो। आपको बरगलाने और बहराने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन सच्चाई दो नहीं होती, एक ही होती है। और सच्चाई में यह बताया गया है कि सच एक है, परमात्मा को पाने का रास्ता एक है। इसलिए ये तीन संविधाएं समर्पित हैं। परमात्मा को पाने के लिए साधन की आवश्यकता है कि नहीं है, बोलो। और साधन ये शरीर है, इसीलिए तो कल मैंने बताया था, मानसकार भी कह देता है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ लगावा, सदन पाने वेद ने उसका गुणगान इसीलिए किया, और अभी आपने मंत्र का पाठ किया। सुत्रामानं पृथ्वीं द्यामने समशुश्रमान अदितिम सुप्रणीतिम दैवीं नामम। ये दिव्य नौका है, मानव शरीर कैसा है, इसको अग्निरथ, ज्योतिरथ, दिव्य नौका, ये विशेषण, ये वेदों में विशेषण आए हैं। इसको तू संभाल के रखना, इसकी देखभाल करना। क्यों? ये तो इस भवसागर को पार करने का, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो प्राप्ति का साधन ये मनुष्य का शरीर है। इस पर तू मजबूती से आरोहेगा, इस दिव्य नौका पर तू मजबूती से बैठ, इसकी देखभाल कर। अरे तुझे उस परमात्मा के ज्ञान के आलोक में आगे बढ़ और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धियों को प्राप्त कर। इसलिए ये बात आई कि उनको पुष्ट करो। इसको कबाड़ खाना, मांस, मछली, मदिरा आदि खाद्य पदार्थ, तंबाकू इत्यादि, इसलिए क्या लिखा है, शाक फल फूल में वाव दुग्धादि सम मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए। परमात्मा कहता है ना, शाक फल फूल मेवा व दुग्धादि सम मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए, और तू तम्बाकू अमल मद्य मांसा दिखा, रोग तन में बढ़ाए तो मैं क्या करूं। एक बात बताता चलूं, फिर आगे बढ़ूं। इस संध्या का कारण इसी संध्या क्यों, क्या अवस्था से पहले प्रजा की पोषण के लिए परमात्मा ने की नहीं की, बोलो। और जब आप बड़े हुए, और कौन सा संस्कार, अन्नप्राशन कौन से महीने में होता है, पांचवें में।
जब बालक इतना बड़ा हो जाए कि उसका पेट माँ के दूध से पोषित न हो सके उसका शरीर, और एक जमाना ऐसा था कि माँ का श्वास और संतान का श्वास एक था कि नहीं था गर्भावस्था में। माँ जो भोजन करती है उससे बने हुए पचने के बाद जो पोषक पदार्थ होते हैं वो पोषक पदार्थ संतान के पोषक पदार्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो, उस अंधेरी कोठरी में कहां से मसाला आता है, कौन मसाला लाता है, कौन कारीगरी, ये काली काली पुतली बैठ करके छोटी छोटी रक्त की वाहिनियां कैपिलरीज इनका निर्माण कौन करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन कौन भेजता है, दूषित रक्त को वापस ला करके उस किस रिफाइनरी में रक्त का शोधन होता है, वो व्यवस्था कौन करता है, कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी उसका कोई अंदाज लगा सकता है क्या? ये व्यवस्था करने वाला परमपिता परमात्मा है, इसलिए उसकी अनंतता और सर्वव्यापकता का हमें अनुभूति होती है, उसे पक्का विश्वास होता है। वह दिखता नहीं है लेकिन होता है, इसलिए विश्वास पक्का होता है, अंधविश्वास नहीं होता है, वो यथार्थ होता है, रित होता है, नॉन चेंजेबल ट्रुथ है। और जब पांचवें महीने में आए, माँ के स्तनों से जो पान करते हैं उस दुग्ध से हमारा काम नहीं चलता है, तो परमात्मा ने क्या किया, अन्न बनाए, फल बनाए, कंदमूल बनाए। उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है, गेहूं का जो कुछ खाते हैं गेहूं का दूध ही तो होता, गेहूं पहले दुग्धावस्था में आता है, धान अनाज दुग्धावस्था में होता है कि सीधे सीधे दाना मजबूत हो जाता है, मक्का ज्वार बाजरा सारा परमात्मा भी उस मातृत्व की अनंत शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है, तब वो अन्नों के माध्यम से हमारे पोषण तत्व। और यही कमाल की बात थी, मैं उदाहरण देना चाहता हूं दुर्गा भाभी का और चंद्रशेखर आजाद का, जब सैंडर्स को लाहौर में मारा था और उन्हें किसी बात पर भगत सिंह के और सहदेव राजगुरु के गुस्सा क्रोध आया था, डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में ठहरे थे, 3 दिन के खाने में उनके बाद क्या थे, 3रे दिन थोड़े से चने थे, और क्रोधित होकर के चंद्रशेखर आजाद ने उन चनों को पीछे के गंदे नाले में फेंक दिया। भगत कहते हैं दादा कल के चाराने पैसे मुझे दे दो, मैं आपके लिए भोजन लाता हूं और कल मैं भोजन नहीं करूंगा। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं क्या उत्तर होता, एक डकैत और क्रांतिकारी में अंतर क्या होगा, ये मैं कदापि नहीं हो सकता, ये करेक्टर बिल्डिंग है, ये महर्षि दयानंद के मिशन की ऊर्जा है जो चंद्रशेखर आजाद के अंदर भरी हुई है, और वह ऊर्जा का उत्तर क्या मिलता है, भगत मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, तो भगत कहता है दादा मैं भी प्रायश्चित करना चाहता हूं, तो आजाद का उत्तर क्या होता है, भगत अगर तुम भी प्रायश्चित करना चाहते हो और मैं भी प्रायश्चित करना चाहता हूं, दोनों का लक्ष्य एक है कि नहीं, जब दोनों का लक्ष्य है दोनों भारत माँ की संतान है या नहीं।